हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हेलो गाइस, आपका अपना इंग्लिश सैनिक। चलिए आपको दिखाते हैं प्राचीन शिव मंदिर धोमानेकपुर में आज सभी भोले जल अभिषेक करेंगे और हमारे साथ ब्लू की लाइट तक जुड़े रहिए। यहाँ सभी भोले आराम कर रहे हैं और चलते हैं आगे। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। ये गोमुख वाले भोले की कामर है और चलते हैं गोमुख वाले भोले जहाँ आराम कर रहे हैं उसका हाल चाल पूछने। ये सभी गौमुख वाले भोले हैं। भोले, आपको रास्तों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा बताइए जरा। भोले, गंगोत्री से जो लाटा जाने गंगोत्री से लाटा जाने वाला जो मार्ग है बाली गांव का, जिसमें काफ़ी झरने पड़ते हैं और ऊंचाई पड़ती है, उस मार्ग पर सूखी जोंक वगैरह मिलती है, उसमें हमें बड़ी कठिनाई हुई। और हमारा उत्तराखंड उत्तराखंड प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि लाटा से पाली, पाली से ममेरी, ममेरी से त्रिकुटी नारायण पर्वत जो पड़ता है उसमें भी कोई सीढ़ी मार्ग नहीं है, उसमें रपतन का मार्ग काफ़ी है। उत्तराखंड राज्य से हम ये कहते हैं कि उसका विशेष करके ध्यान दें, उससे काफ़ी कांवड़िए जाते हैं जिसमें काफ़ी झरने पड़ते हैं, उसका कोई पुल की सुविधा नहीं है, कोई खाने पीने की सुविधा नहीं है। कोई सिग्नल की काफ़ी प्रॉब्लम है और तीन दिन तक सिग्नल नहीं आते,
थाली से मुंगेरी तक तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं आते, जिसमें जो बिल्कुल ही टूटा फूटा मार्ग है, उस मार्ग को उत्तराखंड राज्य से निवेदन है कि उसका जो है कांवड़ यात्रियों के लिए कष्ट करके उस सुरक्षित करने की जो सुविधा दे। जैसे कि आपने क्या कट झेला तो यात्रा करते देर में, जैसे कि जो हम पाली गांव से चले थे, एक झरना था जो उसके पास पुल नहीं था, उस झरने में से गुजरना पड़ा हमें। पाली से जो मुंगेरी की तरफ चले तो हमें सूखी झोंकों का सामना करना पड़ा, कोई पगडंडी नहीं थी, कोई मार्ग नहीं था, चिकने पहाड़ थे, जिन चीज़ों को हमें जो भारी कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, पुराने रास्ते थे, वो सब पुराने जो रास्ते थे मार्ग बने हुए थे उन पर भी कोई गवर्नमेंट ने जो है ध्यान नहीं दिया, कोई रिपेयर नहीं कराया। भाई कुछ और बोलना चाहोगे आप? बोले हमारे साथी और आए हैं, कुछ कहेंगे? हाँ जी बोले, आप बोलिए। चलो बाकी तो सारा सफ़र सही था, उसमें जो पुराने रास्ते हैं वो कतई भी रिपेयर नहीं है, और जी वहाँ झरने वरने बहुत हैं, और कठिनाई तो पूछो मत, जब सारे रास्ते टूटे पड़े हैं वह पूरे रास्ते पर दलदल हो रही है, और दलदल में पैर इतने अंदर ही घुस जाते हैं वहाँ पर। बाकी तो बढ़िया करा, बाकी तो मिल जाए, बाकी केदारनाथ सही जल चढ़ाया था। बोल शंकर भगवान की जय, जय करो वीर बजरंगे महादेव। आओ चलते हैं आगे सभी भोलों का हालचाल पूछने। हर महादेव सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं। यहाँ भोले जल अभिषेक करने जा रहे हैं, आओ चलते हैं आगे। ये भोले हरिद्वार से पहले दल लेकर आए हैं। तू भोला पर्वत का मानिकपुर विशाल गावर आपके सामने आने वाली है, इतनी जो भीड़ हो रही है आपको दिखा के ले चलते हैं। इतनी विशाल गावर आने वाली है, और जो आपको दिखाने जा रहे हैं ये हमारा मंदिर साइड में दिखाते हैं, पब्लिक कितनी जुटी हुई है आपको देखिए। ये हमारा मंदिर है, इंतजार करती हुई पब्लिक, ये अंदर का स्थान हमारा मंदिर का। तो मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में, भोले मन में कुछ नहीं होएगा,
जाओ ते बेघर छोड़ के भूले देख ले फिर तू रोवेगा हट छोड़ दे मैं भूले अपना ले कदे तने न सताऊंगी किसे ते कोई मतलब नहीं सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी परिवार ते बन जाऊंगा भूले साथ निभा दे तू तेरा जो भी भा जागा मन ने मत हाथ छुड़ावे तू भोला पर्वत का तेरे सामने है झुका
तेरा साथ ही चाहिए बोले मन की सहत कोई मतलब नहीं मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा दुनिया का मन मतलब नहीं तेरी खातिर के कर जाऊं बोले मन ने कुछ नहीं बेरा है दुनिया का मन बेरा नहीं पर तू तो बोले मेरा है तेरी खातिर आई हूँ तेरी गल्ला जाऊंगी बोले कितना प्यार है तेरे तया सब न बताऊंगी तू भोला पर्वत का तेरा जो भी भाजागा मन ने मत हाथ छुड़ावे